गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा हम लोग वीडियो नंबर 7 है हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट की. मैं यहीं से आप समझाना शुरू करूंगा. रिटायरमेंट के अंदर में वीडियो नंबर 7 है हमारे पास. देखिए बेटा यहाँ पे एक्स वाई जेड पार्टनर दे रखे हैं और यहाँ एक बात बता देता हूँ. उसके अंदर में जो केस आ रहा है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी द न्यू PSR. रिमेनिंग पार्टनर का मतलब मैं हमेशा वाई को रिटायर करता हूँ तो एक्स और कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जो BCPRA के बाद कैपिटल आती है. यानी कि एक्स और जेड की कैपिटल को हम प्लस करेंगे. हाँ जी ठीक है सर. यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो है 4:3:2 की. तो देख लो रिटायर कौन हो रहा है, सर वाई रिटायर हो रहा है जी. वाई को रिटायर कर लिया, ध्यान रहता है. ठीक है, वाई रिटायर हो गया. कैपिटल कितनी है उनकी एक्स वाई जेड की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी BCPRA के बाद इतनी इतनी और इतनी है मुझे यहाँ पे. ठीक है, और कह रहा है कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग. यानी कैपिटल हमें रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का मतलब कौन कौन हो गया, खाली एक्स और जेड की कैपिटल विल बी इन द ब्रिंगिंग और पेइंग द कैश. यानी कि रीएडजस्ट करनी है, या तो कोई पार्टनर ब्रिंग करेगा पे कैपिटल को या कैश करे लाएगा. ठीक है, और इन देन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया जो हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, आपको याद होगा. इसके अंदर ये वाली एडजस्टमेंट आ गई यहाँ पे कि कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर. तो एक्स और जेड की कैपिटल को प्लस करेंगे और इनको नी रेशो में डिवाइड कर देंगे हम लोग. यानी क्या करें हम लोग, आपको याद होगा हम लोगों ने जब किया था ये, यानी कि ये करा हम लोगों ने. यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों की कैपिटल को हम ऐड कर लेते हैं. यानी कि इसकी इसको तो छोड़ दो साहब, इसको छोड़ दो. 57,225 को कितना है, 65,800 और 33,800 दोनों को प्लस कर लिया. प्लस करने के बाद कितना आ गया, 99,600. इसको डिवाइड कर लेते हैं किस रेशो में, न्यू रेशो में. न्यू रेशो दिए नहीं, इसका मतलब 4:2 रह जाएगी. 4:2 का मतलब 2:1 की रेशो में. ठीक है जी, डिवाइड कर लिया. इसकी इतनी आ गई, इसकी इनकी है कितनी कितनी अब देख लो. इसकी है 65,800 और इसकी है 33,800, वो लिख दिया हम लोगों ने. यानी कि यहाँ पे इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, है कितनी इसकी, कम है तो ये 600 रुपये ले आएगा. इसकी यहाँ पे कितनी है, इसकी कैपिटल है कितनी, इतनी, सॉरी होनी इतनी चाहिए, है कितनी, इतनी. यानी कि ज़्यादा है, इसको 600 लौटा देंगे. ब्रैकेट मारा है, इसका मतलब क्या करा हम लोगों ने, उसको पे ऑफ कर दिया. बस खत्म हो गई कहानी. यानी कि बड़ा क्वेश्चन आता तो बस हम लोगों जो करी थी एंट्री उसके हिसाब से हमारे पास कवरिंग हो जाती. अब यहाँ पे इन्होंने इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, वो अनसॉल्व क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा. थर्ड केस करते हैं. यानी क्या है यहाँ पे, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. यानी कि रिटायरमेंट होने से पहले है. इन्होंने जो सोल्यूशन कर रखे हैं ना, उन्होंने दूसरा तरीका फॉलो किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अपने ही तरीके से करेंगे, एक्सटेंडेड वर्जन से करेंगे, ताकि कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है. तो उनकी न्यू कैपिटल के बराबर होगा. कैसे करें, एक क्वेश्चन को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं बेटा. यहाँ देखिए बेटा, ये आपको क्या दे रखा है, यानी कि वैन डेट, ये आपको एग्जाम में लिखा नहीं आएगा. सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट. ठीक है जी, ये हम लोगों ने पढ़ना शुरू करा और मैंने देखा फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा एंड करुणा दे रखे हैं. ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है. इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, कैपिटल कितनी है इनकी, सर समझ में आ गया, 2:3:2 का रेशो हो गया हमारे पास. ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, आपको जनरल दे रखा है, WCR दे रखा है. मैं तो इन चीज़ों को देखता हूँ, मात्रा रानी के आइटम्स को. 31 मार्च 2009 को अरुणा कह रही है मैं रिटायर हो रही हूँ. अरुणा कौन है देख लो जरा, अरुणा है पहली वाली बंदी है, पहला वाला पर्सन जो रिटायरमेंट हो रहा है. तो ये जरूर ध्यान रख लें, गड़बड़ी नहीं होती. अरुणा रिटायर हो रही है, आदत क्या बनी हुई है, बीच वाला बंदा रिटायर होता है. जैसे मैं हमेशा बाइक को रिटायर करता हूँ, अरुणा रिटायर हो रहा है, यहाँ हो रही है. ये सब बातें इन्होंने करी है. बिल्डिंग क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है 30% से. अच्छी बात है जी, बिल्डिंग पे डॉट लगा दिया जी, 60,000 बिल्डिंग बढ़ जाएगी. मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 20% से. ठीक है, मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई कितने परसेंट से, 20% से हो गई है. यानी 20% से हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, 3 लाख है तो भी 60,000 रुपये से आ जाएगी हमारे पास. चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी डेप्रिशिएट हुई है पर ये ठीक है जी, कर देंगे. डेट 17,000 के हो गए, 10,000 के और दे रखे तो 7,000 के हो जाएंगे. क्लेम कितना आ गया, 8,000 का आ गया. मैं यहीं से समझाऊंगा इसको. तो यहाँ 15,000 दे रखा है, यहाँ पे 8,000 है, तो कितना आ गया हमारे पास, कितना डिफरेंस आ गया, 7,000 रुपये का आ गया. 7,000 पार्टनर से बांट देंगे. गुडविल हम कितनी है, 1:40 है. अरुणा शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर. करुणा एंड वरुणा, ये आपको न्यू रेशियो दे दी. गुडविल 1:40 दे दी इन्होंने, इसका शेयर निकालेंगे 2/7 करके, नहीं जो आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे रेशियो में. चलिए अब इंपॉर्टेंट बात क्या कही इन्होंने, और कह रहे हैं कि वो एडजस्ट कर देंगे हम लोग गुडविल के लिए. इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना, गुडविल टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर करुणा एंड वरुणा हु हैव टू शेयर द फ्यूचर रेशियो. इसका मतलब गुडविल की बारे कहानी अब है मेन, ये हमारी मेन पॉइंट. कैपिटल द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड बिफोर द रिटायरमेंट अरुणा. यानी कि न्यू रेशियो में कैपिटल कितनी होगी न्यू फर्म की, टोटल भी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट. यानी टोटल कैपिटल कितनी होगी यहाँ पे, बिल्कुल सही कहा, 7 लाख रुपए की कैपिटल होगी. और अमाउंट ड्यू टू अरुणा विल बी सेटल, उसको 50,000 रुपए कैश दे देंगे, बाकी उसके कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. कोशिश होगी मेरे को इसी वीडियो के अंदर मैं सारी एडजस्टमेंट आपकी कवर कर दूँ.
यहाँ पे देखिए मैंने रिवेल्यूशन अकाउंट बनाया एज यूजल। देखो बिल्डिंग हमारी 8,500 से बड़ी थी और ये 8,500 से कम हुई थी, 7,000 के बैड डेट थे बस और कुछ नहीं था। ये हमारा लॉस आ गया, कितने रुपये का लॉस आ गया बेटा आप देखते जाइए यहाँ पे, 7,000 रुपये का मेरा क्या आ गया बेटा यहाँ पे लॉस आ गया, मेरा 7,000 का लॉस आ गया। और लॉस को पार्टनर्स ने अपनी रेशियो में बांट लिया, रेशियो क्या थी यस 2:3:2 का इनका क्या था पार्टनर्स का रेशियो था। चलिए जी अब हम फॉलो करते हैं ये इनका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। इनका सोल्यूशन हमारे सोल्यूशन को करने का तरीका थोड़ा कई बार डिफरेंट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं हम अप्रोच कर लेते हैं BCBRA वाली फॉलो करेंगे। आइटम इनके आगे पीछे हो सकते हैं, हम थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे 2 लाख 3 लाख 2 लाख हमने बैलेंस लिख दिए, उसके बाद हमारे पास कैपिटल होती थी, कैपिटल यहाँ आती नहीं है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री इन्होंने यहाँ करी है बेटा, ये देखिए ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री है। इन्होंने ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है वो मैं कैलकुलेशन समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1,40,000 की गुडविल दे रखी थी, इसका उन्होंने 2/7 शेयर निकाला, 40,000 आ गया। और उन्होंने क्या करा फिर गेनिंग रेशियो निकाली, गेनिंग रेशियो कितनी आई बेटा 1:1 आई। वो देखिए इन्होंने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर लिया हम लोगों ने, 1:1 आ गए तो 20,000 हो गई। तो एंट्री जो बन के आई हमारे पास गुडविल की जो एंट्री बनी इन्होंने यहाँ पे दिखाई नहीं प्रॉपर तरीके से, कोई बात नहीं मैं आपको गुडविल की एंट्री भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिटायर जो पहला पार्टनर हुआ है दूसरे का नाम है करुण और करुणा वरुणा, करुणा वरुणा टू अरुणा हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा बेटा ये 20,000 हो जाएगा, यहाँ 20,000 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। इसका मतलब करुणा वरुणा अरुणा के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। देखिए अरुणा पहली पार्टनर है, इसके अकाउंट में 20 और 20 क्रेडिट कर दिए और यहाँ से 20-20 इनके अकाउंट में डेबिट हो गए, बिल्कुल हमारे तरीके से चलेंगे। तो अरुणा पे सर्कल लगा देंगे, दिक्कत नहीं आएगी कि गलती से हमने किसी और के अकाउंट में क्रेडिट ना कर दिया हो। सब प्रीमियम भी हो गए यहाँ पे, यानी कि वाली एंट्री भी हो गई। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस था 7,000 रुपये का आपका लॉस आया था, देखो उन्होंने वही 2,000, 3,000 और 2,000 करके लॉस ही बांट दिया। एक का मतलब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ गया 2, 3 और 2, क्योंकि वो हमारी 8,000 की लाइबिलिटी आई थी तो 7,000 रुपये इन्होंने पार्टनर्स में रेशियो में बांट दिए, ये भी हो गया, यानी ये वाला भी आइटम हो गया। एक का मतलब हमारे पास जनरल दे रखा था, जनरल हमें कितना दिया हुआ था 35,000 का जनरल जो दे रखा था, 35,000 का जनरल जो हम 10, 15 और 10 करके इन्होंने क्या कर दिया बांट दिया। अब देखो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, सारे काम हो गए। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे हुई वो बता देता हूँ मैं, यानी कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा बाद में आंसर आता है। यानी ये भी काम हो गया मेरा, 20,000 वाला भी हो गया। अब 50,000 हम लोगों ने अरुणा को पे कर दिया, अरुणा को हमने 50,000 पे कर दिया, बाकी कहाँ ट्रांसफर कर दिया इसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग क्या करा करते थे, अब हम लोग क्या करते थे, अब बैलेंस सीडी निकाला करते थे और बैलेंस सीडी को फिर यहाँ लेके जाते थे और फिर नए बैलेंस लिखा करते थे। तो हम लोगों ने क्या करा, ये काम उन्होंने यहीं कर दिया भाई, ये थोड़ा फ़र्क है, आप मेरी वाले तरीके से फॉलो कर लेना, मैंने बड़ा अच्छे तरीके से बताया। यानी कि हम क्या निकालेंगे, अब बैलेंस सीडी जो उन्होंने निकाला ये बैलेंस सीडी दोबारा निकालेंगे, फिर बैलेंस सीडी को हम यहाँ लिखेंगे, फिर ये बैलेंस आएगा 4 लाख और 3 लाख का यहाँ पे, ये हमने निकाला है, ये हमने निकाला है जो 7 लाख की कैपिटल दे रखी थी। इन्होंने कहा था ना कैपिटल वही होगी जो रिटायरमेंट से पहले, तो 7 लाख की कैपिटल को उन्होंने नई रेशियो में डिवाइड कर लिया और नई रेशियो मुझे कितने दे रखी थी 4:3। और 7 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 7 लाख को डिवाइड कर लेता हूँ 4:3 के रेशियो में, तो 4 लाख और 3 लाख आ जाता है। अब जो डिफरेंस आ गया वो इधर आ गया, उसको किस में एडजस्ट करा हम लोगों ने बेटा, हाँ जी बेटा हम लोगों ने इसको कैश में एडजस्ट कर लिया, यानी कि 1,05,000 का कैश लेके आ जाएगा और 1,10,000 का। आप एक्सटेंडेड वर्जन वाले तरीके से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट बनाना तो बहुत आसान सी बात है, और बैलेंस शीट आप क्या करेंगे बना लेंगे, यानी कि मैं क्वेश्चन करूंगा उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, आप इन क्वेश्चन को चाहे दोबारा करते रहिए मेरे तरीके से आपका हो जाएगा बुक वाले, मैंने ऐसा तरीका उन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, सिंपल तरीके से हम लोग कर लिया। अब नई कैपिटल लिख दी इन्होंने, यहाँ पर अरुणा का लोन आ गया, वर्कमैन कंपनी लाइबिलिटी 8,000 आएगी, क्रेडिटर आ जाएंगे, बिल्डिंग में वैल्यू बढ़ गई थी, मशीन में वैल्यू कम हो गई थी, स्टॉक वही था, डेटर में 7,000 कम हो गए थे, कैश एट बैंक का बैलेंस निकाला 2,65,000, कैसे आया पुराना कैश लिखा, इसके अंदर ये दोनों कैश लेके आए वो लिख दिया, और हमने जो 50,000 का कैश है उसको प्लस माइनस किया है, मतलब उसको पे किया वो माइनस हो जाएगा। इन्होंने बैंक अकाउंट भी बना के दिखाया है, देखिए 1 लाख का पुराना कैश है, 1,05,000 और 1,10,000 का बैलेंस लेके आ रहे थे और 50,000 उसको पे कर दिया, तो बैलेंस कितना रह गया 2,65,000। इस तरीके से हम इस एडजस्टमेंट को कर पाएंगे। चलिए आई थिंक सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अब एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं इसी के ऊपर हम लोग। तो उन्होंने क्या करा, अगला क्वेश्चन इन्होंने भी करके नहीं दिखाया पूरा, कम क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा क्वेश्चन करना नहीं चाहते क्योंकि ये भी चाहते हैं कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करना जाना चाहिए। अगला वाला क्या था, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर को फुल में पे करना है, इज टू बी पेड, इसका अलग फुल भी वर्ड लिख रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अमाउंट ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन ए मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू रेशियो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ जी बेटा जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों की कैपिटल को क्या करेंगे प्लस करेंगे, जब वाई को पे करना होता है एक्स वाई और जेड तीनों की कैपिटल को प्लस करके उसको फिर से किस में डिवाइड कर लेंगे, न्यू रेशियो में डिवाइड कर लेंगे और डिफरेंस को कैश या करंट अकाउंट में क्या कर लेंगे एडजस्ट कर लेंगे। तो कैसे करें हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 39 क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ था 2013 में, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, पहले बोर्ड में नहीं थे। देखिए, नरेश डेविड और असलम पार्टनर हैं, रेशियो 537 की है। अप्रैल 2020 में नरेश ने एक नोटिस दे दिया। नरेश का मतलब पहला वाला बंदा रिटायर हो गया है, रेशियो भी सर्कल कर लेता हूँ। रिटायर फ्रॉम द फॉर्म, डेविड और असलम ने डिसाइड करा कि फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, 2:3 की रेशियो में होगा। एडजस्ट कैपिटल तीनों पार्टनर की दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी इन्होंने 33,000 और 70,000, ये तो दे दी इन्होंने बाकी इनकी, और ये दे दिया उन्होंने नरेश वाला अमाउंट दे दिया। अमाउंट इज टू पेड बाय डेविड एंड असलम इन सच ए वे, इसको पे करना है, ये वर्ड आ गया पे करना है, यानी कैपिटल को एडजस्ट करना था और उन्होंने जनरल एंट्री पास करी थी। यानी क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे तीनों कैपिटल लिख देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या रखेंगे, जब टोटल कैपिटल निकालेंगे तो उन तीनों को ही हम प्लस करेंगे। देखिए मैं वर्किंग के थ्रू समझाता हूँ आपको यहाँ। यानी क्या करा हम लोगों ने, जैसे करते आ रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो निकाली इन्होंने, तीनों को क्या करा प्लस किया, ये 194, इसको डिवाइड किस में करेंगे, न्यू रेशियो में करेंगे। न्यू रेशियो क्या है, उन्होंने न्यू रेशियो में दी नहीं रखी, उन्होंने नहीं दे रखी तो क्या करेंगे हम लोग, वो हमें चेक करना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। ये दे रखी है बेटा, न्यू रेशियो दे रखी है, बिल्कुल 2:3 की रेशियो थी, तो उन्होंने क्या करा, जो अमाउंट आया उसको 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर लिया, ये कैपिटल निकाली। इनकी पुरानी कैपिटल देख ली इन्होंने कितनी कितनी आई है, 33 और 70,500 अलग वाली की थी ना, इसको तो हम हटा ही देते थे नॉर्मली, लेकिन यहाँ क्यों ऐड करा हम लोगों ने, क्योंकि टोटल कैपिटल निकालनी है। तो डिफरेंस इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, है कितनी, इतनी, इसकी तो बहुत ज़्यादा है, इसको कैश टू बी ब्रॉट इन, यानी कि हमारे पास क्या होगा, कैपिटल है कितनी इसकी, इतनी है, होनी इतनी चाहिए, तो लाना पड़ेगा, उसको भी कैश लाना पड़ेगा, उसको भी कैश लाना पड़ेगा। तो ये एंट्री आ जाएगी कैश टू डेविड, कैश टू असलम, यहाँ एक एंट्री और कर देंगे उसको पे करने की एंट्री। हाँ जी बेटा, यहाँ पे दोनों पैसा लेके आए, कैश लेके आए हैं या बैंक से लेके आए हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्या करा बेटा, उसको पे कर दिया। आई थिंक सो ये भी केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें लास्ट केस बचा है उसको और समझ लेते हैं। इसको बार एक न्यूमेरिकल भी आपको दिया हुआ है, यानी कि वैन रिटायरिंग पार्टनर्स टू पेड, रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, किस तरह से पे करना है, रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कितना बैलेंस बच जाना चाहिए आपका, इतना बैलेंस बच जाना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी इन्होंने एक छोटा क्वेश्चन दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन दिया है, करके देख लेते हैं हम लोग। यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 40 देख लेते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, वाई रिटायर हो रहा है, एक्स वाई जेड की जो कैपिटल दे रखी है इतनी इतनी दे रखी है इन्होंने, तो हम ध्यान रख लेते हैं वाई की कैपिटल कैलकुलेशन में जरूर इंक्लूड करेंगे, है ना। और यहाँ पे कैश एंड बैंक का बैलेंस दे रखा था पुराना 4,000 का दे रखा है, और वाई को पे करना है, इस तरीके से पे करना है, कैपिटल का प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो भी दे रखी है आपको 3:2, और कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैश टू बी पेड और टू ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, यस। मिनिमम बैलेंस कितना करना है, 3,000। तो यानी क्या करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और उसमें क्या करेंगे बेटा हम लोग, जितना कैश हमें मेंटेन करना है 3,000 प्लस करेंगे, और ये 4,000 क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, ये भाई टोटल कैपिटल आ जाएगी, और टोटल कैपिटल को डिवाइड कर लेते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। देखिए कैसे करा इन्होंने, यस, यहाँ पे इन्होंने, यानी कि ये हम लोगों ने क्या करा, कैपिटल ऐड करी, पहले तीनों की अप्लाई ऐड कर ली यहाँ पे इन्होंने, कैसे करी, 4,300 इन दोनों की ऐड कर ली, और तीसरे की ऐड करने का तरीका 35,600, इन्होंने क्या करा, तीसरे की ऐड करी, 4,000 का कैश जितना पुराना था प्लस 3,000 का मेंटेन करना था। हम ये काम सीधा भी कर सकते थे, यानी कि एक्स की कैपिटल 42,200 प्लस वाई की कैपिटल कितनी, ये दे रखी थी, वाई की कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 36,600 थी, क्वेश्चन पढ़ लेना चाहे, 11,200 पुराना कैश कितना था, 4,000 था, लेकिन पुराना नया कैश 3,000 मेंटेन करना है, माइनस करेंगे कितना, 4,000 जी, सब कुछ करने के बाद ये बेटा कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 90,000 आ रहा है, तो 90,000 लिख देंगे, ये 90,000 आ गया, बस इसको अब न्यू रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, और न्यू रेशियो कितनी दे रखी है आपको, 3:2, तो ये बैलेंस आ जाएंगे, पुराने बैलेंस लिख दिए, डिफरेंस आ गया इनका, बस इसका मतलब 10,800 ये लेके आएगा, 24,800 रुपये ये लेके आएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया, यानी कि यहाँ पे टोटल कैपिटल निकालते समय हमें ध्यान रखना है। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 41 है, वो भी हम देख लेते हैं। रिटायरिंग पार्टनर्स टू पेड थ्रू द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू रेशियो होती है, लीव डिजायर्ड बैलेंस, यानी कि कुछ हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सुषमा है, गौतम है, कनिका है, ये पार्टनर दे रखे हैं, ठीक है जी, बैलेंस शीट दे रखी है, चलो जी बैलेंस शीट देखते ही मेरे को P&L अकाउंट नज़र आ गया, सुषमा रिटायर हो गई है। सुषमा कौन है, पहली वाली बंदी रिटायर हो गई है यहाँ पे, ठीक है जी, यानी कि ये वाला हिसाब किताब हो गया है, फिक्स ऐसे रिड्यूस हो जाएंगे, 290 के रह जाएंगे, पहले कितने के थे, 2,00,000 के थे, ठीक नहीं नहीं 360 के थे, ठीक है, 70,000 का नुकसान हो जाएगा। प्रोविजन क्रिएट कितना करना है डेटर पे, 5% क्रिएट कर देंगे जी यहाँ पे,
स्टॉक वैल्यूड हो गया 2.18 का, पहले स्टॉक 2.40 का था, 22 का नुकसान हो गया। सुषमा स्टॉक लेके जा रही है एट दिस वैल्यू, जितने का था उतने का लेके जा रही है, 2.40 का ले जाएगी। गुडविल फर्म की कितनी है, 8 लाख रुपए है। सुषमा शेयर ऑफ गुड विल बी ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम एंड कनिका, नेचुरल से बात है गौतम और कनिका का अकाउंट डेबिट होगा होगा, तो 8 लाख का कितना निकालेंगे हम, बिल्कुल 5/10 निकालेंगे, फिर इसका शेयर निकल के आएगा, उसको फिर गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, सुषमा वाज पेड कैश ब्रॉट इन बाय द गौतम एंड कनिका इन सच ए वे कैपिटल बिकम PSR में आ जाएगी। बैलेंस कितना बचना चाहिए, 58,000, तो 58,000 प्लस करेंगे और यहाँ पे यस 1,40,000 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और कह रहे प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स के उन्होंने बैलेंस शीट, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं क्या करेंगे हम लोग इनके शॉर्ट तरीके से करते हैं। या रिवेल्यूशन अकाउंट बनाया वो हमने डिस्कस कर लिया था, 70,000 आ गया था या 8,000 आ गया था क्लोजिंग इन फॉर डाउटफुल डेट का, क्योंकि जो मैं 5% क्रिएट करना था 1,60,000 का, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी, ये रिवेल्यूशन का लॉस आ गया जो अपनी PSR में 5:3:2 के रेशियो में बांट लिया इन्होंने। उसके बाद हमने क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके लिए क्या फॉलो करा, BCPR है। सबसे पहले बैलेंस लिख दी हम लोगों ने, कैपिटल होती नहीं है, पी का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, वो हम बाद में लिखते हैं। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री बेटा ये आ गई 80 लाख और 320, ये कैसे आई आपने देखा होगा, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी थी इन्होंने 8 लाख, 8 लाख का कितना करा इन्होंने 5/10 कितना आ गया 4 लाख। फिर आपने यहाँ पे क्या निकाली होगी बेटा, गेनिंग रेशियो निकाली होगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो, क्योंकि इन्होंने 2:3 दे रखी थी न्यू रेशियो, तो वो आप निकाल लेना बेटा। और कितना कितना 80 और 320 आ गया, और देखो यहाँ पर 80 और कितना आ गया 320 आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी हो गया, रिवैल्यूएशन का देखो 50-30-20 हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया। उसके बाद ए का मतलब मात्रा रानी के आइटम में देखा हमने, PNL अकाउंट था 1 लाख रुपये का, वो देखिए उन्होंने 50-30 और 20 आ गया, सारा बांट दिया, सारे ये भी ठीक हो गए। अब यहाँ पे क्या करा इन्होंने, एक काम और था, स्टॉक लेके जा रही थी वो, तो स्टॉक की एंट्री तो आएगी, एक का मतलब एडजस्टमेंट भी तो होता है, तो सुषमा स्टॉक लेके जा रही थी, 2.18 का स्टॉक दे रखा था हमें, वो 2,18,000 का स्टॉक लेके चली गई है एट दिस वैल्यू, यानी कि 2.18 का लेके जा रही थी ना, हाँ ठीक है, जितने पे लेके जा रही है 2.18 का लिख दिया हम लोगों ने, बस ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्लोज करना शुरू करते हैं। मैंने बताया था हम हमेशा बैलेंस CD निकालते हैं, CD को BD करते हैं, शॉर्टकट तरीका भी है, मत करिए चाहे यहाँ पे। यानी क्या करेंगे, ये नए बैलेंस क्या करेंगे हम यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, ये बैलेंस कैसा है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे यही काम पड़ जाता है हमें रफ तरीके से काम करना पड़ेगा। उसको तो हमने क्या कर दिया बेटा, पे कर दिया, कितना पे कर दिया 4.82। अब टोटल कैपिटल फर्म की कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकाली पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमारे पास अभी नहीं आएंगी, ये बाद में आएंगी। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि जो एक्स की कैपिटल जो निकल के, सुषमा की कैपिटल जो निकल के आ रही है, ऐसे ही गौतम की जो कैपिटल निकल के आ रही है, ऐसे ही किसकी निकल के आ रही है, कनिका की, तीनों के कैपिटल को प्लस करेंगे। प्लस में कितना दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे किसकी, शॉर्टेज ऑफ कैश जो निकल के आएगा, यानी कि नया कैश कितना मेंटेन करना है हमारे को, आपने देखा होगा यहाँ पे 58,000 क्या हो जाएगा, कैश प्लस हो जाएगा 58,000 का, और जो हमें दे रखा था कैश कितना दे रखा था बेटा, 140 का कैश माइनस हो जाएगा। नीचे वर्किंग दिखाई भी इन्होंने, मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे दिखाई इन्होंने, थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं इसको ताकि आपको ज़्यादा बेटर ढंग से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थे, यहाँ पे इन्होंने एडजस्टेड कैपिटल निकाली है, वो कैसे निकाली है देखो, पहले पार्टनर की निकाली है इन्होंने, गौतम की निकाली है, गौतम कनिका की निकाली है, फिर उन्होंने शॉर्टेज अपने तरीके से निकाली है। देखिए गौतम की कैपिटल देख लेते हैं पहले, गौतम और जो है यानी कि सुषमा रिटायर हो रही थी, ठीक है थोड़ा स्मॉल नज़र आ रहा होगा, पहले यहाँ पे क्या करा, सुषमा पे सर्कल लगा लिया। गौतम की कैसे निकल जाएगी, 2.50 + 30, ये तो बाद में आता है बेटा, +80 - 30, इन दोनों को माइनस करेंगे। आप अपने तरीके से निकाल लेना, इसकी 170 आ रही है, इसकी 30 आ रही है, ठीक है ऐसे इसकी निकाल ली, 482 आई थी हमारे पास, ये अपने तरीके से करते हैं। आप मेरे तरीके से 482 में फिर एग्जिस्टिंग बैलेंस को माइनस करते हैं, फिर 58 को करते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हो, सिंपल तरीके से तीनों की कैपिटल प्लस कर लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस जो आता है निकल के। आप CD वाले तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये सब कुछ करके 6 लाख आ रहा है। अब 6 लाख को न्यू रेशियो में बांटा तो 240 और 360 आ गया, वो 240 और 360 आ गया डिफरेंस किस में ले लिया उन्होंने, कैश में ले लिया। लेकिन आप मेरे वाले तरीके से करेंगे तो कहीं आपको दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट नंबर 5 को भी कर पाए। अब बेटा बाकी कुछ इलस्ट्रेशन हमें और दे रखे हैं जो हम बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक एक लाइन जरूर आपको उनकी बढ़ा दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 42 है, एडजस्टमेंट किसके थ्रू करी गई, करंट अकाउंट के थ्रू। ये 6 पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग कि कैपिटल ऑफ LNM वर टू बी एडजस्टेड ऑन देयर न्यू प्रोविजनिंग रेशियो एंड फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। कैपिटल LNM इसका मतलब एडजस्टमेंट नंबर कौन सी होगी बेटा, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई आपकी। यानी कि एडजस्टमेंट 2 का मतलब क्या होगा, दूसरे वाले में खाली यहाँ पे L और M की कैपिटल को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे बेटा। यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप मेरे तरीके से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरी वाली हो गई। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 43 पे, आ गया
लिस्ट में 43 पढ़ेंगे तो इसमें लाइन पड़ी है टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म फिक्स दे रखी है 240 दे रखी है, तो वो सिंपल हो गया। केस नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, 2019 में आया भी हुआ है। अब आगे चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन में 44 पे गए। 44 पे जाने के बाद हम पॉइंट पढ़ते हैं वाला कि यहाँ पे कैपिटल न्यू फॉर्म कितनी फिक्स दे रखी है आपको 90,000। ये भी केस नंबर कौन सा बन गया, 1 बन गया 2019 में, ये किसी और सेट में आया होगा। तो इस तरीके से हमारे करीब करीब सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो गए बेटा, खत्म हो गए। ये रिटायरमेंट का हमारा चैप्टर था। अगली बार हम क्या लेके आएंगे बेटा, आपके लोन अकाउंट लेके आएंगे ताकि इसको हम चैप्टर को खत्म कर सकें। थैंक यू बेटा।